हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूं आईक्यू कैसे बनाते हैं। इसका डिटेल में पूरी बारीकी बारीकी से वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। ये मैं लेकर खाती हूं आप ध्यान में कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहिए। इसमें ही ऐड कर दूँ तो कि जो मेरा चल रहा है अभी काम होता है उनका सारी चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पे एक लेडी ने मुझे पावर दिए थे और वीडियो शूट की है, फोटो वगैरह क्लिक किया। ये है काफी शानदार से तो ये आई थी मेरे पास कस्टमर। तो इनका आईब्रो मुझे बनाना था, इनका फोरहेड और आईब्रो दोनों करना है। तो पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की पार्लर से रिलेटेड वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। एंड डे बाई डे पार्लर से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड एंड आपके फेस के अकॉर्डिंग कौन सा मेकअप, कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा हेयर कट आपके ऊपर जाएगा, उस टाइप की वीडियोज मैं लेकर आती रहती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे फ्रंट में मैंने नोज के आसपास के सारे हेयर इस तरीके से रिमूव किए थे बिल्कुल आराम आराम से। तो वीडियो को मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि मैम आप वीडियो फास्ट कर देते हो, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया। और धागा कैसे चला रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको धागे को रखना है जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और जो मैंने धागे की कैंची बनाई है उसके अंदर बालों को फंसाना है, और बिल्कुल हल्के हाथों से बिना स्किन पे रगड़े हुए, दबाव नहीं डालना है, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से आपके कैंची में हेयर को फंसते ही खींच देना है, और दबाना भी नहीं है स्किन पे एंड रगड़ना भी नहीं है। इससे कस्टमर को पेन होगा एंड कट भी लग सकता है। तो जितना हल्का हाथ आप चलाओगे उतना अच्छा शेप आएगा, उतना कस्टमर कंफर्टेबल रहेगा, पेन नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए आईब्रो बनाते टाइम। इन्हें फोरहेड भी कराना था, तो मैंने साथ के साथ एक साइड का फोरहेड कर दिया। उसके बाद कस्टमर को बोलेंगे कि वो अपनी आईब्रोज को अच्छे से खींचे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इस तरीके से खींचने के बाद आपको नीचे से इस तरीके से थ्रेडिंग को बनाना है। तो थ्रेड को इस तरीके से लेके जाना है कैंची में हेयर के आते ही बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए मैंने आप बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, क्योंकि इनके आईब्रो बहुत ज़्यादा उठाकर नहीं बनाई जा सकती है। आईब्रो सबकी आईब्रो अलग अलग शेप की होती है, तो जैसा कस्टमर डिमांड करता है वैसे हम लोग नहीं दे सकते, उनके आईब्रो के अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, तो इनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा चढ़ा के नहीं बन सकती थी, बट जितनी बन सकती थी उतनी मैंने पूरी कोशिश की। तो फ्रंट से इस तरीके से देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने वीडियो को बहुत स्लो किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और वीडियो को जूम भी किया हुआ था। तो इस तरीके से कैंची को लेके जा रही हूँ, और इसमें हेयर को फंसते ही इस तरीके से रिमूव कर दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी धीरे धीरे सारे हेयर को रिमूव करना है एक अच्छी सी शेप देते हुए। ओके, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पहले आईब्रो में इस तरीके से आराम आराम से जितना भी एक्स्ट्रा हेयर लग रहा है उसको निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से लेके जाएंगे, जो भी लाइन के इधर उधर शेप के बाहर है हेयर, उनको इस तरीके से रिमूव करेंगे। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो और अच्छे से समझ में भी आ रहा हो। तो एक परफेक्ट शेप यहाँ पे हमको मिल गई है। अब फिर से कस्टमर से इनके आईब्रोज को जो से स्ट्रेच खिंचवाइएगा, उससे क्या होगा कि अगर कस्टमर ने स्किन को अच्छे से टाइट किया हुआ है तो उससे उनके कट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और हम लोग को हेयर निकालने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो कस्टमर को बोलिए जितना जोर से वो खींचेंगे उतना ही कम पेन फील होगा, कट नहीं लगेगा और शेप भी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से टाइटली खिंचवा लेना है, एंड जहाँ से आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा हेयर है उनको धीरे धीरे रिमूव करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इनकी एक थ्रेडिंग इस तरीके से बन चुकी है, चलते हैं दूसरी थ्रेडिंग की तरफ। दूसरी थ्रेडिंग बनाने के लिए पहले मैं बैक से इनको पीछे चली जाऊँगी इनके, एंड थोड़ा सा इनको ऊपर की तरफ कहूँगी। और ये जो हेड रखने की जगह बनी हुई, यहाँ पर इनका हेड अच्छे से रख दिया है, और कैमरे को सेट कर ले रही ताकि दूसरी तरफ का आईब्रो कैसे बना रही वो आपको अच्छे से दिखे। तो नीचे से जो भी हेयर रह गए हैं दूसरी आईब्रो में, पीछे जाके आप इजीली निकाल सकते हो। और ऊपर से दोनों आईब्रो को बिल्कुल बराबर शेप में रखते हुए हेयर को धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने उस साइड की शेप दी थी आईब्रो की, बिल्कुल वैसी ही इधर की भी देनी है। एक भी बाल इधर उधर नहीं निकलना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हेयर को धीरे धीरे रिमूव कर रही हूँ एक अच्छी सी शेप देते हुए। दोनों आईब्रो बिल्कुल सेम दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से साथ के साथ फोरहेड के हेयर को भी रिमूव करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ओके,
अभी अच्छे से शेप के बाहर जो भी हेयर दिख रहा है आपको उसको रिमूव कर लेंगे एंड फिर से इनको खींचने के लिए बोलेंगे टाइटली, बिल्कुल इस तरीके से। ओके, अब अच्छी सी शेप देंगे जितना भी एक्स्ट्रा हेयर हमको दिख रहा है। इस तरीके से धागे को लेके जाएंगे और एक्स्ट्रा हेयर को कैंची में फंसाएंगे और उसको इस तरीके से रिमूव कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से आप थ्रेडिंग कर पाओगे और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे लाइन बनानी है, कैसे शेप बनाना है। तो जो भी मैं घूमने गई थी उसकी ब्लॉग शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। एंड इसी तरीके की अपडेट्स मेरे चैनल पे आपको मिलते रहती हैं, पार्लर से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको मिलते रहती हैं। तो इस तरीके से मैंने दूसरे आईब्रो का भी शेप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और आईब्रो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो थोड़ी सी भी स्किप करते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो कि मैं बताते रहती हूँ अपने पूरा वीडियो के एंड तक, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही रहती हूँ। फिर आपको इस तरीके से दोबारा से कस्टमर को आईब्रो को खिंचवा लेना है, स्ट्रेच करवाना है एंड जो भी एक्स्ट्रा हेयर लग रहे हैं आपको उनको रिमूव कर लेना है। तो आईब्रो अच्छे से बन चुकी है, जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा लगेगा वहाँ पर मैं इस तरीके से हेयर को निकाल दूंगी। तो अभी मुझे ठीक लग रहा है और इनको थोड़ा सा ऊपर करके, यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था दो चार हेयर, तो उनको मैं रिमूव कर ले रही हूँ। ओके, क्योंकि दोनों आईब्रो बिल्कुल परफेक्ट बनानी है तो ये वाली थोड़ी सी चौड़ी लग रही थी, तो एक ही हेयर और यहाँ पे मैंने निकाल दिया है जिससे कि जो शेप है थ्रेडिंग का वो परफेक्ट आ जाए और दूसरी आईब्रो में भी जो कम रह रहा था हेयर उसको रिमूव कर लेंगे। और फ्रंट से आके दोबारा से जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसको रिमूव करेंगे और दूसरे आईब्रो में जो कट हेयर एक्स्ट्रा लग रहा है उनको कट कर देंगे। अक्सर कस्टमर की, सभी कस्टमरों की आईब्रो ऐसी होती है, एक में हेयर की ग्रोथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और एक में कम होती है। तो इनका ऑलमोस्ट आईब्रो मैंने यहाँ पर कम्प्लीट कर दिया है। यहाँ से एक परफेक्ट शेप चाहिए थी जो कि नहीं थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ से दोबारा से हेयर को रिमूव कर लिया है, निकाल दिया हेयर को। तो ये था इनका फाइनल लुक। कैसा लगा आपको इनका थ्रेडिंग और आईब्रो बनाने का तरीका कैसा लगा आपको, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, सारी डिटेल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छे से बताने की कोशिश कर पाऊँ। और यह इनका फाइनल लुक। तो इसी तरीके से की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो भी पार्लर का काम सीखना चाहते हैं उनको इजीली मैं बता पाऊँ और बहुत आसान तरीके से बताती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि इनकी आईब्रो कैसी बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी वीडियो जो है, फाउंडेशन अप्लाई करने का सही तरीका, फाउंडेशन काला क्यों पड़ता है, काले ड्रेस के लिए और मेकअप ड्रेस अलग अलग ड्रेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग मेकअप फेस शेप के अकॉर्डिंग मेकअप, सारी चीज़ें बताते रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।